हाय गाइस, तो अब हम देखेंगे मैकेनिक्स में लॉज ऑफ मोशन का टॉपिक है मोशन इन लिफ्ट, यानी लिफ्ट के अंदर किस तरह का मोशन होता है और हम कैसे इसमें सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। तो बेसिकली जो क्वेश्चन होता है, जैसे मान लो कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक लिफ्ट है ना, अब इस लिफ्ट का ओवरऑल मास, मतलब जब सब लोग इसमें बैठ गए हो तब ओवरऑल मास, उसका मास एम मान लेते हैं, ठीक है, और वो किसी स्ट्रिंग से बंधा हुआ है जिसपे टेंशन टी है। अच्छा, आपको पता है अगर मैं आपसे कहूं पहला केस वन देखते हैं इसमें, व्हेन लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड, अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ मूव करता है तो उसके केस में हम टेंशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम वो देखेंगे। तो आपको पता है कि अगर कोई लिफ्ट जिसका ओवरऑल मास m है और वो स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, उसके पास टेंशन t है और वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, यानी उसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, तो अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो आपको पता है कि नीचे की तरफ mg लगेगा, ऊपर की तरफ टेंशन t लग रहा है और एक्सेलरेशन भी ऊपर ही हो रहा है। अगर एक्सेलरेशन ऊपर है, इसका मतलब ऊपर लगने वाला फोर्स ज्यादा होगा। तो अगर मैं सॉल्व करूं तो मैं क्या लिखूंगा, टी यानी टेंशन में से माइनस करूंगा किसको, एमजी को, है ना, क्योंकि टेंशन वाला फोर्स बड़ा है। तो टेंशन माइनस एमजी इज इक्वल्स टू, यही फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि आपको पता है कि एफ इज इक्वल्स टू क्या होता है, एम ए होता है ना। तो फोर्स, कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है इस लिफ्ट को ऊपर मूव करने के लिए, तो वो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है टेंशन माइनस एमजी। अब हमने टेंशन में से क्यों माइनस किया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक्सेलरेशन ऊपर मूव ऊपर की तरफ है तो ऊपर लगने वाला फोर्स ज्यादा है। तो टेंशन माइनस एमजी इज इक्वल्स टू क्या हो गया आपका, एम ए। तो टी इज इक्वल्स टू क्या हो गया, एम ए प्लस एमजी, देन टेंशन हो गया आपका एम ए प्लस में जी, ए इज एक्सेलरेशन एंड जी तो आपको पता ही है। तो इस तरीके से आप टेंशन टी आप कैलकुलेट कर सकते हो जब आपका लिफ्ट ऊपर की तरफ मूव कर रहा हो। एक और बात, जब हम लिफ्ट के अपवर्ड मोशन की बात करते हैं तो उस टाइम हमारा वेट मैक्सिमम होता है, ये भी याद रख लीजिएगा, वेट हमारा क्या होता है, मैक्सिमम होता है, सॉरी मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम वेट कब कब हो सकता है, व्हेन स्पीड इज इंक्रीजिंग अपवर्ड एंड स्पीड इज डिक्रीजिंग डाउनवर्ड, ये भी याद कर लीजिएगा, व्हेन स्पीड इज इंक्रीजिंग अपवर्ड, है ना, ऊपर वाला फोर्स बड़ा होगा तभी तो हमारा वेट ज्यादा होगा, तभी तो हम प्लस हो रहे हैं यहां पे, आप ध्यान से देखो। तो स्पीड ज्यादा कौन सा है, ऊपर वाला, है ना। और व्हेन स्पीड इज डिक्रीजिंग डाउनवर्ड, जब नीचे की तरफ स्पीड घट रहा हो, ठीक है। तो ये दो केसेस हैं आपको याद रखने हैं। अच्छा, सेकंड केस क्या है, तो मैं इसे रफ करता हूं, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा फर्स्ट केस था, व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड। अब हम देखते हैं व्हेन लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड, व्हेन लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड आवर वेट इज लो, है ना। तो सेम है, फ्री बॉडी डायग्राम तो यही होगा। तो अब हमारा केस क्या हो गया, व्हेन लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड, ठीक है, व्हेन लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड, गला बैठ चुका है। अच्छा, तो ध्यान से देखो, इसका मास हो गया टेंशन टी, एक्सेलरेशन ऊपर हो रहा था, अब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बदल जाएगी और एक्सेलरेशन नीचे होने लगेगा, फ्री बॉडी डायग्राम में एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नीचे हो चुका है। अच्छा, अभी हमने जस्ट देखा कि एक्सेलरेशन अगर नीचे की तरफ है, यानी जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन वाला फोर्स हमेशा ज्यादा होगा, तो हम अब क्या लिखेंगे, F इज इक्वल्स टू एम ए होता है, यहां पे कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, तो वो फोर्स है mg माइनस टी इज इक्वल्स टू एम ए। अच्छा, ये एम ए इधर जाके माइनस हो गया, तो मैं बोल सकता हूं टी इज इक्वल्स टू mg माइनस एम ए, यहां से मैंने m कॉमन ले लिया, ये क्या हो गया g माइनस ए। तो ये आपको याद रखना है जब आपका लिफ्ट डाउनवर्ड मोशन करे तो टेंशन कैसे निकालते हैं, और इस केस में हमारा वेट लो होता है, लो कब कब हो सकता है, व्हेन स्पीड इज इंक्रीजिंग डाउनवर्ड,
जब downward direction में speed बढ़ रहा हो तभी तो acceleration नीचे की तरफ देख रहे हैं आप, और जब हमारा speed ऊपर की तरफ decrease हो रहा, speed is decreasing upward, ठीक है, जब हमारा speed जो है वो अपवर्ड की तरफ डिक्रीज हो रहा हो, ये दो केसेस होते हैं। और आई होप आप लोगों को मोशन अंडर लिफ्ट भी समझ में आ गया होगा। इसके अंदर भी और केसेस होते हैं, जब हमें ये बोला जाता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट ही लिफ्ट में बैठा है और उसका केस निकालें, तो भी हम आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि उस ऑब्जेक्ट का हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और उस हिसाब से देखेंगे तो भी यही सेम फॉर्मेट आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको वो कॉन्सेप्ट भी समझना हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं वो पार्ट भी आपको बता दूंगा, ठीक है, थैंक यू गाइस।